हम लोग जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान देख रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर देख रहे हैं ऑनलाइनर में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए आरएनए के द्वारा। अगला हमारा, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो याद रखिए सोडियम क्लोराइड। अगला हमारा, कपड़े धोने के साबुन क्या है? तो याद रखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। अगला हमारा, जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो याद रखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला हमारा, बेरी बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? याद रखिए तंत्रिका तंत्र। अगला हमारा, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत है? तो याद रखिए 65%। अगला, रेडार का क्या प्रयोग है? तो याद रखिए रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना। अगला, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला हमारा, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के। अगला, रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट बाइडेक्सट्रेट रसायन के साथ। अगला है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की विक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो याद रखिए एंजाइम। अगला है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, यह लाइकेन। अगला है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो याद रखिए एमाइलेज। अगला है, पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो याद रखिए सहसंयोजी बंध। अगला है हमारा, कैप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो याद रखिए माइटोकांड्रिया में। अगला है, पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो याद रखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण। अगला है, तरंग दैर्ध्य का कौन सा प्रतीक है? तो याद रखिए एक। अगला है, पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा? तो याद रखिए कैनविंडिस ने। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो एन एम स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। अगला है, विस्थापन किस वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं? यह किस प्रकार की राशि है? तो याद रखिए सदिश वेक्टर। अगला है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है? तो याद रखिए जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अगला है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है? तो याद रखिए आसंजक बल। अगला है हमारा, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो याद रखिए सिस्मोग्राफ। अगला है, पॉलीथिन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप तार के ऊपर के आवरण पैकिंग थैलियां आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है, यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिए एथिलीन। अगला है हमारा, पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या है? तो याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है, विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक युवान उसकी ने की थी, उन्होंने तमाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया, इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया?
याद रखे लुई पाश्चर बीज रेक ने अंगला रग वाड़ान देता कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधी रोग है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता, लाल बहरा। अगला ए रेटिनॉल दूध मक्खन अंडा जिगर मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कॉर्निया व त्वचा कोशिकाओं में सल्की भवन रतौंधी आदि रोग हो जाती है। यह किसकी घुलनशीलता है, वसा में। तो याद रखिए यहाँ वसा में। अगला है मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है। तो याद रखिए 5 लीटर। अगला है मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है। तो याद रखिए बंदर। अगला है किस गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल तय की गई दूरी समय दिशा के अनुसार, यह किस प्रकार की राशि है, अदिश। अगला हमारा शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व अपेक्षित आर्द्रता में क्या है। तो याद रखिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य व 60 से 65% के मध्य अपेक्षित आर्द्रता। अगला है देव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले वाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारी के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर, जो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है रासायनिक परमाणु किस परमाणु संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अगला है धातु में विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि धातु में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं, तो याद रखिए सिल्वर तथा कॉपर। अगला है पित्तीजीवी ऐसे रसो चिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक पित्तीजीवी की खोज की गई, तो याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अगला है हमारा किसी विद्युत अपघटक से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की क्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला हमारा धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। कोशिकाएं धमनी को सिरा से जोड़ती हैं। इसका कार्य है, तो याद रखिए खाद्य पदार्थों और गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना। अगला है हमारा मैकुलाज 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन ने 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर के वाहक होने की पुष्टि की, तो याद रखिए रोनाल्ड रॉस 1887 में। अगला हमारा जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए एडिसन रोग। अगला हमारा तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है, तो याद रखिए उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर। अगला हमारा पिति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल पिति क्षेत्रफल।
दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखें, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। अगला है, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो याद रखिए, डॉपलर प्रभाव। अगला है, विभिन्न दो भिन्न तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती है, ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, संभारिक। अगला है हमारा, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती, उसको कहते हैं, तो याद रखिए, संतृप्त विलयन। अगला है हमारा, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। अगला है, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं, उन एंजाइम को क्या कहते हैं जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो याद रखिए, सह एंजाइम। अगला है, विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं। ठीक है। अगला है, पीलिया तथा हेपेटाइटिस से यकृत का रोग है, पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह किसके संक्रमण में होता है? तो याद रखे, हेपेटाइटिस विषाणु। तो कौन सा है? हेपेटाइटिस विषाणु। अगला है, मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो स्टार्च का पाचन करे उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, टाइलिन। अगला है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम कार्बाइड। अगला है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो योहानेस केपलर ने। अगला है, 1 किलो बाइट्स बराबर होता है, तो याद रखिए, 1024 बाइट्स। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो याद रखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला है हमारा, थैलीसीमिया के रोग किस रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? तो हीमोग्लोबिन। अगला है हमारा, गैस बिल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन और गैस मिश्रण का। अगला है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, वेक्टर। अगला है, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो याद रखिए, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो याद रखिए, विटामिन सी की कमी के कारण। अगला है हमारा, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो याद रखिए, प्रत्यास्थता की सीमा तक। अगला है हमारा, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो याद रखिए, 105 पास्कल। अगला है, सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो याद रखिए, फ्लोरीन। अगला है हमारा, शनिवार किसका प्रमुख ग्रह है? तो याद रखिए, पारे का। अगला है, किंतिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर रहती है? तो याद रखिए, निर्भर नहीं करती। अगला है, प्रेरित धारा की किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो याद रखिए, लेंज के नियम। अगला है हमारा, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किस जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है? तो ये दो नाम है, जीनस और एवं स्पीसीज स्पीसीज। अगले, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने। अगला है, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए, बेंजोइक एसिड। अगला है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक सैलिड एसिड। अगला है, विरंजक चूर किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो याद रखिए, कैल्शियम का। अगला है हमारा, कार्नोटाइट किसका है? तो याद रखिए, यूरेनियम का। अगला है, विभांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो याद रखिए, विभांतर अदिश राशि है। अगला
अगला है हमारा मैंगलिन, मैंगनिन अथवा कास्टेटन को फिर्मावडिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम हो जाता है। अगला है प्रोटॉन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग में क्या संबंध है। तो याद रखिए ई अपॉन सी। अगला है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज को। अगला है मनी मानव शरीर में मास्टर अंतरास्रावी ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी। अगला है पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले किंतिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो याद रखिए 83.7 मिनट। अगला है जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है। तो याद रखिए पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो याद रखिए वृत्त के केंद्र में पर। अगला है फैथोमीटर से मापते हैं। तो याद रखिए समुद्र की गहराई। अगला है हमारा ट्राइटियम का किसका सम स्थानिक है। तो याद रखिए एल्यूमिनियम का। अगला है सेफायर तथा लेपिस लेजुली किसके अयस्क हैं। तो याद रखिए हाइड्रोजन के। अगला है मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था। तो याद रखिए कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला है हमारा किस रुधिर वर्ग में कौन कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो याद रखिए रुधिर वर्ग ओ में। अगला है हमारा कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। तो याद रखिए कोबाल्ट ऑक्साइड से। अगला है हमारा मैसोन पाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष कीड़ों में। अगला है हमारा क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है। तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल। अगला है उद्योगों में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए एथिलीन के बहुलन से। अगला है डेंगू ज्वार का कारण है। तो याद रखिए वायरस। अगला है थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है यह किसको प्रभावित करता है। तो याद रखिए रुधिर को। अगला है हमारा एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए एसिटिक सैलिक एसिड। अगला है हमारा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो याद रखिए ऑक्टेन नंबर से। अगला है हमारा आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिए बीटा कण के उत्सर्जन से। अगला है हमारा डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो याद रखिए डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस। अगला है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायक करता है। याद रखिए प्लेटलेट प्लेटलेट्स। अगला है टीविया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है। टांग में। अगला है थैलेसीमिया फेस्टिस फेस्टिस किस रोग को फैलाने वाले विषाणु है। फिले। अगला है हमारा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कारक जुड़ा है। तो याद रखिए परमाणु बम का। अगला है संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है। तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखिए प्रकाश के विकिरण के कारण। अगला है किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए ग्रेगर जोहान मेंडल। अगला है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए चुंबकीय प्रभाव। अगला है इथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बेसिलस एंथेसीज। अगला है पीलिया रोग शरीर के अंग में किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है। तो याद रखिए लीवर। अगला है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है। द्रव्यमान के। अगला है गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो याद रखिए टेट्रा थाइल।
सीसा। अगला है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है, तो विकास संश्लेषण क्रिया को बंद करके।